हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और दिन की शुरुआत हुई पोहे और ये बेटों के लिए दूध था। एक्चुअली मैंने चाय भी अपने लिए बनाई थी। उसको जुकाम हो गया तो उसे हल्दी वाला दूध जो है मैं दे रही हूँ। दोपहर का वक्त है, दोपहर के वक्त में बोरिंग जो है वो प्रॉपरली जो है वो स्टार्ट हुई। और हमने सेंटेंस बोलना सीख गया बेटू 2 साल के बाद। प्रॉपर सेंटेंस उससे ना हम धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं कि उसको सेंटेंस बोलने लगे। वो खुद से भी बहुत कोशिश करता है। मोबाइल सब खेलने के लिए अपनी गाड़ी दे रहा था उसको, अपनी कॉल दे रहा था कि आइए आओ दीदी खेलो। और आज हम बनाने जा रहे हैं बिहारी चिकन। स्पेशली बिहारी चिकन में 2 चीज़ें होती हैं। एक जो लहसुन की कलियां होती हैं वो अलग नहीं की जाती हैं, एक साथ दी जाती है। वो हम लोग फोड़न में दे देते हैं प्याज के साथ। इसके लिए मैंने लिया है चिकन है ये 600 ग्राम, प्याज भी है 600 ग्राम, तेल लिया है, जीरा पाउडर, गरम मसाला, चिकन पाउडर, नमक, हल्दी, मैरिनेशन हो जाएगा इसे, और पिसा हुआ लहसुन। आप अदरक पिसा हुआ ले सकते हैं, लेकिन अभी अदरक जो है वो टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा है तो अदरक आज मैंने स्किप किया। वैसे अदरक और लहसुन साथ में पीस लेते हैं, उसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। और साथ ही साथ इसमें ना आप कच्चा आलू जो है वो छील के बड़े मतलब 2 ही पीस करके डाल सकते हैं, उसके भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये हरी चिकन की खास बात ये है कि इसमें मोस्टली जो है वो एक तो लहसुन पड़ता है प्रॉपर, पूरी कलियां पड़ती, पूरा एक लहसुन का वो पड़ता है धुल करके, और फिर जो चिकन के साथ पक जाता है ना तो उसका टेस्ट ऑसम आता है। आप एक बार ट्राई करिएगा, और अगर आपने ट्राई किया तो प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग स्पेशली ये ऐसे जो चिकन बनाते हैं वो कैसा लगता है। बाकी चिकन तो हर टाइप में अच्छा लगता है, जो खाते हैं उनको तो पता ही होगा, जो नहीं खाते हैं उनके लिए और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं अच्छे से मैरिनेट कर दे रही हूँ चिकन को। और अब ना चिकन बनाने मतलब ऐसा हो गया कि मुझे ना मतलब वो आइडिया इतना लग गया कि कितना मसाला कितनी देर पकना है, तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। हाँ थोड़ा ये रहता है कि अलग गैस पर बनता है तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है सामान, उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अदरवाइज चिकन जो है बहुत टेस्टी बना रही है। यहाँ कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें मैंने पहले फ़ौरन के लिए तड़के के लिए तेल डाल दिया है। और मैं ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ चिकन में, क्योंकि ऑयली चिकन नहीं इतना पसंद आता है। ये प्याज में देखिए लहसुन जो है वो धुल के रख दिया है, जब प्याज डालेंगे तो साथ में दोनों लहसुन ऐसे ही डाल देंगे। इसमें फ़ौरन में मैंने लिया है दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, तेज़पत्ता। मिर्चा हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, एक्चुअली बेटू को चिकन बहुत पसंद है, मिर्चा नहीं खाता है वो, तो हम लोग ने भी अब आदत लगा ली है विदाउट मिर्चा के। और मसालों के साथ ना टेस्ट मिर्चा का फ़र्क नहीं पड़ता है। अब गरम मसाला और चिकन मसाला डालते हैं तो उसमें हल्का थोड़ा बहुत जो है वो फ्लेवर रहता ही है। हाँ बेटा, यहाँ जीरा जो है और फ़ौरन साथ में चटक गया है, मैंने उसमें प्याज और लहसुन एक साथ डाल दिया। और प्याज लहसुन डालने के साथ ही हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, देन उसको धीमी आँच पे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ मैंने प्याज और लहसुन एक साथ डाल दिया है, इसको तेल आँच पे थोड़ा फ्राई कर लेंगे अच्छे से। चिकन की खास बात ये होती है कि चिकन जल्दी पक जाता है, मटन में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन चिकन बहुत जल्दी बन जाता है। अच्छे से उसको प्याज को जो है वो तेल में अच्छे से उसको मिला लेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे उसको ला सकते हैं। बैठ के बनाना होता है, मतलब उसके पास आप रहिए आपको छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे मैरिनेशन में फिर आलू डाल दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये वाला चिकन बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, थोड़ा सा और फ्राई करेंगे तो उसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये चीज़ें आप खोल के चलाएँगे तो प्याज जो है वो अच्छे से सब मिल जाएगा, फ्राई हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्याज जो है ऑलमोस्ट फ्राई होने लगे,
और उसमें चिकन और आलू एक साथ डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पे थोड़ा फ्राई करेंगे अच्छे से चिकन को, जिससे कि जो मसाले हैं थोड़े से अच्छे भून जाए। इससे जो है फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा होता है। और एक और बात, अगर आप चाहें तो उसी स्टेज में जो है आप थोड़ा सा उसमें मतलब ऊपर से कसूरी मेथी ऐड कर देते हैं, क्योंकि उस वाले में हमें कसूरी मेथी नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आलू डाला है और मैं इसको बिल्कुल तो कहते हैं ना थोड़ा फ्लेवर आते हैं बिहारी चिकन खाने का, वही चाहते हैं इसलिए मैंने नहीं ऐड किया, अदरवाइज मैं कसूरी मेथी ऐड करती हूँ चिकन में भी। तो अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद उसको एकदम धीमी आँच पे जो है तो ढक कर पकाएंगे और 10-15 मिनट से उसको जो है ओपन करके फिर उसको अच्छे से मिला देंगे, फिर उसको ढक देंगे। ऐसे कि कलर देखिए कितना अच्छा आ गया और आलू का भी मसाला मिल गया और फिर उसको जो है ढक देंगे और ढक करके उसको पकाएंगे। और चला देंगे और रखने से पहले थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ताकि उसके मसाले जो हैं वो अच्छे से भून जाए तेल में और चिकन में। चिकन में मतलब प्रिपरेशन में जितना टाइम लगता है उतना मुझे लगता है, बाकी अदरवाइज ज़्यादा टाइम नहीं लेता चिकन पकने के लिए। मैंने इसको ढक दिया है और 10-10 मिनट से मैं इसको खोल करके जो है एक बार चला दूँगी। तो देखिए 10 मिनट के बाद खोला है तो ऑलमोस्ट ये पकना शुरू हो गया। एंड फाइनली जो है ये चिकन बन के रेडी है। आपको जो ब्लॉग बहुत टेस्टी लगा था, लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप भी बताइएगा कैसा आपको।